ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैरट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज मैं आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, रीडिंग का टॉपिक आपसे कहूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कहना ही रहता है गाइस, है ना? आपको लगता होगा कितनी ज़्यादा बातें करते हैं ये, है ना? आपको लगता होगा, पर मुझे तो करनी है गाइज। आपको पसंद आए ना आए, पर मुझे आपसे बात करनी ही होती है, कुछ ना कुछ। ओके, थोड़ी थोड़ी मुझे आपसे ये कहना है गाइज कि मेरी एक विश है, मेरी एक इच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वो विश जो है पूरी हो जाए, ठीक है? क्योंकि आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो भी यही है कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके, अभी कमिंग फ्यूचर में आपका ऐसा कौन सा इच्छा है, कौन सी विश है जो आपने मांगी है और आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए? तो वो पूरा होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। पर मेरी भी एक विश है जो मुझे आपसे कहनी है, और मेरी विश ये है गाइस कि हे ईश्वर, बस मेरी एक छोटी सी दुआ है, जिन लम्हों में मेरे सभी अपने मुस्कुराते हो वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो। तो मेरी यही विश है गाइस, और आप सब मेरे अपने हो, आप सब मेरे परिवार का एक हिस्सा हो, और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में हर लम्हा खुशियों से भर जाए, आपकी हर विश जो है पूरी हो जाए। और आज का टॉपिक भी जो है आपके विश को लेकर है, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पॉजिटिव आए, सिर्फ रीडिंग में पॉजिटिव ना आए गाइस, आपके लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ें आए, आपकी विशेस जो है पूरी हो जाए। तो इतना कहते हुए आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। मेरी बस एक ही विश थी कि आप सबका जो है सपना पूरा हो जाए, बस मेरी यही विश है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने रखे पायल, दो पायल रखे गाइस, ये है एस ऑफ हार्ट, यहाँ पर येलो कार्ड भी है। आप लोगों को चूज़ करने में मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एक येलो कार्ड भी यहाँ पर चिपका दिया गाइस। ओके, ताकि आप कलर से या कार्ड से, दोनों से चूज़ कर सको। तो ये है पायल नंबर वन, और यहाँ पर है एस ऑफ डायमंड, और इसके साथ है रेड कार्ड, और ये है पायल नंबर टू। तो गाइस, मैं अभी आपको कुछ टाइम दूँ, या आपने चूज़ कर लिया गाइस? ज़्यादा मुश्किल नहीं है चूज़ करना। ओके, अगर आपको कार्ड चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है ना गाइस, तो मैंने हमेशा आपको कह रखा है कि आप दोनों रीडिंग देख लो, ठीक है? दोनों रीडिंग देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी सिचुएशन, बस आपको सोचना है कि वो रीडिंग मेरे लिए है, ठीक है? तो पॉइंट नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, और इसे जो है मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसे बाद में लेकर आएंगे, ठीक है? तो ये है पायल नंबर वन। सो आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, पॉजिटिव रहकर रीडिंग देखनी है गाइस। आप कभी कमेंट चेक किया करो, है ना? मैंने 48 आवर्स का, करेंट फीलिंग्स का, और बहुत से वीडियोस बनाए हैं अभी, है ना? तो इतने सारे लोगों का कमेंट आ रहा है ना, इतना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, मैं आई कांट इवन एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम, है ना? इतनी खुशी मिल रही है ये देखकर कि बहुत से लोगों के पर्सन वापस आए हैं, बहुत से लोगों का मैसेज आया है, कमेंट आया है कि दीदी हमारे पर्सन वापस आ गए, उन्होंने कांटेक्ट किया, जैसा आपने बताया वैसा हुआ। तो इतनी खुशी मिलती है जब ये देखती हूँ मैं, ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं उन्हें क्या करती हूँ गाइस, पिन कर देती हूँ, है ना? बहुत से आते हैं कमेंट्स पर, पिन तो एक ही कर सकते हैं ना, तो पिन कर देती हूँ ताकि आपको भी उससे जो है थोड़ी प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं हंसती हूँ गाइस, मैं जब आपके कमेंट्स देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हंसती रहती हूँ, मुस्कुराते रहती हूँ, है ना? इतनी पॉजिटिविटी मिलती है मुझे आपके कमेंट्स से। पर दर्द इसी बात का है कि सबकी जो विशेष है वो पूरी नहीं हो पा रही है ना? हमारा उद्देश्य सिर्फ उतना नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सभी के जो खोए हुए, बिछड़े हुए लोग हैं वो वापस आए। मेरी तो इच्छा यही है गाइस, मैं प्रे करती हूँ सबके लिए, प्रे करती हूँ। मैं ईश्वर से हमेशा यही कहती हूँ कि जितने लोग भी बिछड़ गए हैं उन सब की मुलाकात करवा दीजिए, ऐसे प्रे करती हूँ गाइस मैं।
चलिए गाइस, मैंने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग। आप निकालेंगे यहाँ से कुछ कार्ड्स आपके लिए। आज ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हमें जो है आपकी विश देखनी है कि आपकी कौन सी इच्छा है जो पूरी होने वाली है। पूरी होगी या नहीं होगी, क्या होगा रीडिंग पर पता चलेगा। सो पॉजिटिव रही, ओके, पॉजिटिव रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स है गाइस, पहला कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड। वाओ गाइस, ये तीन कार्ड्स देखकर ही मैं आपसे ये तीन कार्ड्स देखकर मुझे बहुत खुलदुली हो रही है। मैं कुछ बता तो रहने दीजिए, मैं अभी बाद में ही बताती हूँ, ओके। मुझे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अभी शुरू कर दूँ रीडिंग। चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ कप्स। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज किया है ना, उनकी विश मुझे पता चल गई कि क्या किया है। थ्री ऑफ वैंड्स। वाओ, बहुत आई एम सो हैप्पी। बहुत हंसी आ रही है, बहुत खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है कार्ड्स देखकर कि जो है एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है ना। काश ऐसे कार्ड्स हमेशा निकले ना गाइस, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग कर दूँ आपके लिए। पर होता नहीं है, थर्ड पार्टी जो है हमेशा नाक घुसेड़ देती है कहीं ना कहीं पे ना। आज नहीं निकला यहाँ पर, देखिए गाइस, बता देती हूँ। पहले द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए क्या आया है, टू ऑफ कप्स। तो मुझे पता चल गया है पाइल नंबर वन जिन्होंने भी चूज किया है कि आपकी विश क्या है, मुझे पता चल गया। ठीक है, आप शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए गाइस, यहाँ पर कुछ साइन और एलिमेंट भी बता देती हूँ, ओके। फिर आप नाराज हो जाओगी कि मैम आपने साइन बताया नहीं, मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आया है फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस और एरिस, यानी कि सिंह, धनु और मेष राशि। उसके बाद यहाँ पर आया है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आया है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आया है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, हिंदी में भी मैंने बता दिया ताकि आपको आसानी हो जाए गाइस। गाइज, यहाँ पर जो है आपके जो कार्ड्स देखकर मुझे पता चल गया, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी विश क्या है, मुझे पता चल गया कार्ड्स देखते ही, है ना। तो इस कार्ड्स को देखकर आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी। मंजर धुंधला हो सकता है, अच्छे से सुनिए, ओके। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। हाँ, तो ये मैंने इसलिए कहा गाइज कि अभी जो आपका सिचुएशन, भले ही आपकी स्थिति भले ही अभी डिफिकल्ट है, मुश्किल में हो आप, परेशान हो आप, है ना, लेकिन ये वक्त चला जाएगा, ओके। दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी कभी भी बुरी नहीं हो सकती। तो आने वाले जिंदगी में आपने जो विशेष मांग रखी है, जिसकी इच्छा आपने की है भगवान से, ऊपर वाले से, खुदा से, है ना, तो पहले ही मैं आज का जो सवाल था उसका आंसर दे दूं कि आपकी विश जो है बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। इतना बढ़िया कार्ड, इतना पॉजिटिव कार्ड, इतना खूबसूरत कार्ड निकला है पाइल नंबर वन, आप जिन्होंने भी इसे चूज किया है। अब मैं बता देती हूँ कि आपकी विश क्या है। यहाँ तो भर भर के कार्ड निकल गए, है ना, कि आप जो है अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, जिससे आप बिछड़ गए हो, जो आपसे दूर हो गए, जिनसे आप प्यार करते हो, वो इंसान का आप इंतजार कर रहे हो, है ना। और आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो गाइस, कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, वापस आए। आप ये एक इंसान का इंतजार कर रहे हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए, आप के इंसान, आपके जो पर्सन है, उनके साथ अभी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बातचीत बंद है ना। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों में डिस्टेंस आ गया है, आप लोग एक दूसरे से रूठे हुए हो, एक दूसरे से नाराजगी चल रही है, पर एक दूसरे को मनाने भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं जा रहे, आप भी नहीं जा रहे, तो नो कम्युनिकेशन में हो। पहले सिचुएशन बता देते हैं ना गाइस, फिर पता चलेगा ना। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, इसके बारे में कुछ देर में बात करूंगी। यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स आया है गाइस, थ्री ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप इस
ये दूसरा कार्ड है ना, पहला कार्ड यहाँ पर आप इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो, और यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर भी जो है आप एक इंसान का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो गाइस, बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगाकर आप बैठे हो, सपने में भी आपको ये पर्सन नजर आते हैं, आपको हर वक्त इनकी याद आती है, आप चाहते हो कि ये पर्सन कब आए आपके लाइफ में, तो आपकी इच्छा यही है, आप जिसका इंतजार कर रहे हो आप बस उसी का राह ताक रहे हो, उसी का रास्ता देख रहे हो आप, और आप चाहते हो इस इंसान की एंट्री जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में हो जाए, जो कम्युनिकेशन आपका टूट चुका है वो कम्युनिकेशन फिर से आप दोनों में स्टार्ट हो जाए, बातचीत स्टार्ट हो जाए, आपकी विश है कि वो आपको कॉल करे, आपकी विश है कि वो आपको मैसेज करे, आपकी विश है कि वो आपको अनब्लॉक करे, ब्लॉक कर रखा है वो आपको अनब्लॉक करे। पेज ऑफ सोर्स यही दिखाता है गाइस कि आप दोनों सोशल साइट्स पर अभी ब्लॉक्ड हो, उन्होंने कर रखा है या आपने कर रखा है, पर आप उनके अभी भी जो है चोरी छिपे आप उनको स्टॉक करते हो, आप उनकी प्रोफाइल देखने की कोशिश करते हो, भले ही किसी और आईडी से करते हो जरूरी थोड़ी है गाइस कि इंसान के पास एक ही फेसबुक आईडी हो, है ना, बहुत होते हैं देखने के लिए, चोरी करने के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास गाइज, ये भी देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि फेसबुक आईडी एक हो जरूरी नहीं, तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये किस हाल में है, किस किस किसी और के साथ तो कहीं ये है ना डेट नहीं करे, किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ गए, तो इनकी बहुत ज़्यादा जासूसी भी आपकी तरफ से हो रही है, क्योंकि आपका ध्यान जो है इनके इनके अलावा कहीं और जाता ही नहीं गाइज, है ना। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, ये कार्ड क्या है गाइज, ये है नाइन ऑफ कप्स का, नाइन ऑफ कप्स दिखाता है फुलफिलमेंट को, है ना, एक ये विश का कार्ड होता है, ये विश का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, नाइन ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स जब आता है तो ये इसका मतलब होता है कि आपकी सारी इच्छाएं है ना वो पूरी होंगी, आपका इच्छा क्या है गाइस कि आपका एक परिवार हो, आप जिसे प्यार करते हो वो आपकी लाइफ में आए, आप जिसे पसंद करते हो उनके साथ आपकी शादी हो, है ना, उनके साथ उनका आपका घर बसे, उनके साथ जो है आपका एक परिवार बने, तो ये सब जो है आपकी एक विश है जो आपने अपने उस इंसान के साथ बना रखी है जो अभी आपसे दूर हो गए हैं, है ना, ये दिख रहा है प्यार ही प्यार दिख रहा है आपका जो ये कार्ड है ना गाइस, ये पाइल जो पाइल नंबर वन जिन्होंने भी चूज किया, तो आपकी बस एक ही विश है कि आपका प्यार वापस आ जाए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई और तो मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप कैरियर के लिए कर रहे हो या फिर हाँ कैरियर के लिए भी एक कार्ड आया है यहाँ पर, उसके लिए उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूँगी, पर यहाँ पर जो है 99% कार्ड जो है प्यार को लेकर ही निकले हैं, सब कार्ड्स है ना, कम्युनिकेशन को लेकर निकला है, प्यार को लेकर निकला है, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो आप मुझे किसी का बेसब्री से, है ना, तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आपके लिए कि आप बस उसी इंसान के साथ अपना घर बसाना चाहते हो जिसके साथ आप प्यार करते हो और उनके अलावा आपको कोई और नजर नहीं आता, तो आपकी इच्छा यही है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्या दिखाता है गाइस कि आपकी जो पर्सन है उन्होंने अभी जो है आपके साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, जैसा कि आप लोग नो कांटेक्ट में मुझे दिखाई दे रहे हो, नो कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहे हो, है ना, दूर हो गए हो, तो इनकी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करने का आपको बहुत ज्यादा इंतजार है कि इस इंसान ने बहुत सी बातें आपसे छुपाई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे इंसान को दिखाता है गाइस जो दिल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचता है ना, फीलिंग्स को छुपाता है, तो आपके पर्सन ने भी आपके साथ सेम टू सेम यही किया है ना, आपकी बातें इग्नोर की है, आपसे ज़्यादा वैल्यू किसी और को दी है, आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी और को दी है, अपनी इच्छाओं को मारा है, साथ साथ आपकी इच्छाओं को भी इन्होंने मार दिया है ना, तो बस वही क्या जिन्हें जो इन्हें ठीक लगा, जो बातें इनके दिमाग को अच्छी लगी इन्होंने वही किया है गाइस, फीलिंग्स की कदर नहीं की, तो आप अभी चाहते हो आपकी इच्छा ये है कि वो आपसे कांटेक्ट करे और आपको जो है अपने दिल की बातें बताए, अपने दिल की बातें शेयर करे, आपसे कहे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको आकर बताए कि वो आपका कितना केयर करते हैं, वो आपको आकर बताए कि उनका जो है जिंदगी है वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ताउम्र बिताना चाहते हैं, तो ये सब फीलिंग्स वो उन्होंने आपके साथ एक्सप्रेस नहीं की है जिसका आप बेसब्री से
इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये पर्सन आए और आपके साथ अपने सब दिल की बातें आपके साथ शेयर करे, आपको प्रपोज करे, है ना गाइस? यही है ना आपकी इच्छा, यही है ना आपकी विश, मुझे पता है। अब यहाँ पर मैं एट ऑफ पेंटिकल्स की बात करती हूँ गाइस। ये है एट ऑफ पेंटिकल्स, दिखाता है मेहनत करने को। आप जो है इस रिश्ते को बचाने के लिए अभी भी, है ना, आपका जो इस पर्सन से रिश्ता टूटा है, ये आपसे दूर हो गए, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, अभी भी आप जो है आस लगाए बैठे हो, मेहनत कर रहे हो कि ये इंसान को आप अपनी तरफ ला सको, आप इस इंसान को पा सको। आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाए हैं गाइस। ये आपको इग्नोर करते गए, ये आपको ब्लेम लगाते गए, ये आपको दर्द देते गए, फिर भी जो है आपने इस रिश्ते को संभालने की बहुत जी तोड़ कोशिश की है। आप कोशिश करते हुए नजर आए हो कि आपने चाहा है कि आपका रिश्ता इनसे ना टूटे, आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है ना? क्योंकि आप इतने प्यारे इंसान हो ना गाइज, आप क्या कहूँ मैं अब आपको, लाइक कोई इंसान किसी को इतना दर्द दे और फिर भी आप जो है उसी इंसान की राह देखो, उसी इंसान के बारे में सोचो, उसी इंसान को प्यार करो, तो आपसे प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता गाइस, मेरी नज़र में। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग में, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, बिकॉज मैंने आप सबका चेहरा नहीं देखा पर आपका दिल देखा है मैंने, कि इतना दर्द पाने के बाद भी आप उसी इंसान के लिए रीडिंग देखते हो कि वो किस हाल में है, वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, उनकी फीलिंग्स कैसी है। तो आपका दिल इतना खूबसूरत है कि आप ऐसे इंसान को भी माफ़ करके उसी इंसान के रीडिंग्स देखते हो और उसी इंसान का इंतजार करते रहते हो गाइस। इसीलिए कहती हूँ मैं आपको ब्यूटीफुल पीपल, समझ गए गाइस? चेहरा मैंने नहीं देखा है आपका, तो अभी भी मेहनत जारी है, कोशिश जारी है आपकी तरफ से, है ना, कि आप जो है इस इंसान को अपने लाइफ में दोबारा ला सको, पा सको। एट ऑफ पेंटिकल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है कि कैरियर, क्योंकि यहाँ पर कैरियर का और कुछ आया नहीं है गाइस, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कैरियर का विश किया है और कैरियर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हैं, कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस? तो अगर आप कैरियर के बारे में भी कुछ आपने विश मांग रखी है, मन्नत मांग रखी है, तो बहुत ही जल्दी आपकी ये विश भी पूरी होने वाली है। तो गाइस ओवरऑल मैंने तो आपको बता दिया कि आपकी जो विश क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी एक और सिर्फ एक ही इच्छा है कि आपके जो पर्सन जो चले गए हैं वो आपके लाइफ में वापस आए, आपका रीयूनियन हो, है ना? यही आपकी इच्छा है ना गाइस? अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपकी ये विश जो आपने दिल में लगा रखी है वो पूरी होगी कि नहीं। तो डेफिनेटली पूरी होगी आपकी जो इच्छा है, आपकी ये विश जो है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे सुपर्ब कार्ड्स आए हैं, दो सुपर्ब गाइज, आप लोग मुझसे कहते हो कि थोड़ा जोर से बोले, देखिए थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ ना तो गले में मेरी खराश हो जाती है, पर कुछ लोग समझते नहीं है कहते हैं जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एनीवेज देखिए यहाँ पर दो ऐसे सुपर्ब कार्ड्स आए हैं जो दिखाता है कि क्या आपका विश पूरा होने वाला है। यहाँ पर देखिए टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। टू ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है गाइज, किस चीज़ को दिखाता है? टू ऑफ कप्स दिखाता है कि आप ही नहीं, आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे वो दूर नहीं हो पाएंगे, अभी फ़िलहाल दूर है पर दूर नहीं हो पाएंगे, आपको आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके साथ कोई ना कोई अच्छी रिलेशनशिप का ऑफर लेकर आएंगे, क्योंकि गाइज आप उनका प्यार हो, वो आपका प्यार है, आप दोनों जुदा नहीं हो सकते, आप दोनों जुदा होने के लिए बने ही नहीं हो, क्योंकि आप दोनों हो एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा। क्या आया है गाइज यहाँ पर? द वर्ल्ड, है ना? आप दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हो, ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। तो अगर आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हो तो कैसे अलग हो सकते हो? कभी भी अलग नहीं हो सकते, है ना? ये तो किस्मत की तरफ से लिखी हुई दास्ता है, किस्मत की तरफ से आया हुआ जोड़ी है, किस्मत की तरफ से बनाया हुआ एक कपल हो आप लोग तो कैसे जुदा हो सकते हो? हाँ भले ही लोगों की, कुछ लोगों की बातों को सुनकर कभी कभी रिश्तों में दरार आ जाती है, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं गाइस, है ना? कभी कभी जो है हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, हमें सही और गलत की पहचान नहीं होते तो हम भटक जाते हैं गाइस, हम भटक जाते हैं, है ना? पर इसका मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता टूट गया है, रिश्ता खत्म हो गया है, रिश्ता तो अभी शुरू होना बाकी है गाइस,
पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, पिक्चर अभी बाकी है, इनको आना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हाई प्रेस्ट का भी कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, भगवान से दुआ कर रहे हो कि आपकी बस एक ही इच्छा है गाइस, आप इनके इस चीज़ के सिवा आपकी कोई विश है ही नहीं कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए। एक एक कार्ड आप उठाकर देख लीजिए, एक एक कार्ड आप उठाकर देख लीजिए कि आपकी सिर्फ आपको ना धन चाहिए ना संपत्ति चाहिए, जिन्होंने भी पाए नंबर वन चूज़ किया है, ना कैरियर चाहिए ना बिजनेस चाहिए, आपको बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपका पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, आपका प्यार आपके लाइफ में आ जाए। तो इसके लिए दुआएं मांगी जा रही है। एक्शन लेते हुए यहाँ पर देखिए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी है ना गाइस, जो भी है आपकी विश, वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है, वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है गाइस। क्योंकि एक सर्कल है जो कंप्लीट होना था, है ना, आपका जैसे मिलना किस्मत में लिखा था, आपका बिछड़ना भी किस्मत में लिखा था, और फिर से जो है इनका आपके लाइफ में आना भी किस्मत की तरफ से ही, डेस्टिनी की तरफ से ही, भगवान की तरफ से ही लिखा हुआ है। तो लिखी हुई चीज़ कभी जो है हम मिटा नहीं सकते, ठीक है, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फाइव पार्टी, कोई भी 100 पार्टी आ जाए, मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस पार्टी आ जाए, बीजेपी पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, जो चीज़ लिखी होती है ना किस्मत में, वो कोई भी जुदा उन्हें नहीं कर सकता, उसे किस्मत जुदा नहीं कर सकती, ठीक है। अभी चल रहा है बुरा वक्त, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये दौर चला जाएगा, गुजर जाएगा, पर ज़िंदगी बाकी है अभी, है ना। तो उस ज़िंदगी में आप दोनों को मिलना ही है। तो पाइल नंबर वन देखिए, आपकी जो विश है मैंने क्लियरली बता दी कि आपकी विश यही है, इसके अलावा कुछ ना ही कार्ड्स में निकले हैं, है ना। अगर कार्ड्स में निकलता तो मैं बता देती कि आप किसी और चीज़ की विश कर रहे हो, आप वैसा कुछ नहीं निकला, बस प्यार का निकला है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के को मन्नत में मांग रहे हो, आप अपने पर्सन का विश कर रहे हो, ठीक है, और ये आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। वो वापस आएंगे जिसका भी आपने विश किया है, ओके, वो आपकी पूरी होने वाली है, पाइल नंबर वन। सो ये थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग गाइस। जितना मुझे एक्साइटमेंट होता है ना ये बताने में, जब अच्छी रीडिंग आती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कितनी खुशी मिलती है। मैं सपने देखने लगती हूँ कि ये हो रहा है अब आपके साथ, ये इंसान आ रहे हैं, मुझे मुझे बस ड्रीम ड्रीम कम्स ट्रू बोलते हैं ना कि सपना सच होने वाला है, उस टाइप की फीलिंग्स अभी से आनी स्टार्ट हो जाती है गाइस, जब भी मैं पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ, ओके। तो आपको भी इसलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया है, एस ऑफ डायमंड एंड ये रेड वाला कार्ड, अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग गाइस। और आपको क्या करना है, आपको रहना है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, ओके, बिकॉज पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स, ओके, पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव सोच आप रखोगे अपनी लाइफ में, तभी जो है अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी गाइस, समझ गए। गाइस, मैं फिर से आपसे कह दूं कि अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप दोनों रीडिंग देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों रीडिंग देखिए, आपको जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है सिचुएशन कि हाँ मेरे साथ यही हुआ है जो दीदी ने मुझे अभी रीडिंग में बताया है, तो वो पाइल आपको रेजोनेट करेगी, ठीक है, वो उसे आपको लेना है। कभी कभी पाइल हम रॉन्ग चूज़ कर लेते हैं और सिचुएशन हमसे मैच नहीं होती, समझ गए। गाइस, मैंने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग, अब निकालते हैं यहां से कुछ कार्ड्स आपके लिए। पहला कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, फोर फोर की एनर्जी, एट ऑफ कप्स,
जजमेंट, आपकी विश क्या है गाइस बता दूं? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए है ना। मैं कार्ड्स निकाल लूं पहले, पर मुझे ज्यादा बेचैनी हो जाती है ना रीडिंग करने की। हाई प्रेस्ट, टेन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, तो ये रहे गाइस आपके कार्ड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके रीडिंग, सो स्टे पॉजिटिव गाइस। यहाँ पर मैं आपको कुछ साइन और एलिमेंट बताना चाहूंगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा फायर साइन आया है लियो, सेजिटेरियस और एरिस, यानी कि सिंह, धनु और मेष राशि। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि ऋषभ, कन्या और मकर राशि है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ओके, तो ये आपकी राशि है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि है। ओके गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आपकी विश क्या है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपकी विश इससे अलग हो, है ना, पर मुझे जो कार्ड में नज़र आया है मुझे उसी के बेसिस पर आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या विश कर रखा है। तो यहाँ पर तो मुझे क्लियरली नज़र आ ही रहा है गाइस कि आपने जो है एक ऐसे इंसान का विश कर रखा है जिसे आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आए। ओके, एक यहाँ पर मुझे ना ही कैरियर का कुछ कार्ड निकला, ना ही मुझे यहाँ पर कोई बिजनेस का कार्ड निकला है, ना ही और कुछ निकला है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जिसे आपने कुछ ऑफर किया था। फोर ऑफ कप्स दिखाता है गाइस ऑफर को करना, है ना। तो आपने इस इंसान को, या कोई भी इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके जो है बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या ये वो, ये नहीं कहना चाहूँगी, बस ये कह रही हूँ कि आपने किसी एक इंसान को ऑफर किया है। अब आप समझ जाइए किसे किया है ना हाँ, तो इस इंसान ने आपके ऑफर को ठुकराया, सबसे पहली बात ये है कि इस इंसान ने आपके ऑफर को ठुकराया। चाहे हो सकता है कि आपने इन्हें लव प्रपोजल दिया, हो सकता है आपने इनसे कहा कि आप चलो शादी कर लेते हैं, हो सकता है आपने कहा कि चलो इंगेजमेंट कर लेते हैं, या फिर दोस्ती कर लेते हैं, या फिर रिश्ते में रहते हैं। इस टाइप का ऑफर आपने इन्हें किया कि रिलेशनशिप ब्रेक मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, ये सब ऑफर आपने इन्हें किया। आपने इन्हें प्यार ऑफर किया, आपने इन्हें केयर ऑफर किया, तो बहुत सारी चीज़ें आपने इन्हें ऑफर की जिसे उस इंसान ने ठुकरा दिया, उन्होंने नहीं लिया। ये है पहली बात, पहले सिचुएशन बता दूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने जब आपका ऑफर ठुकराया गाइस, तो वो क्या हुआ यहाँ पर, वो इंसान, एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होता है कि एक इंसान है जो जा रहा है, चला जा रहा है ना, सबको छोड़कर चला जा रहा है। तो इस इंसान ने आपके ऑफर को ठुकराया और ये इंसान क्या हुआ, आपकी लाइफ से चला गया, रिश्ते को तोड़ गया, सब फीलिंग्स को छोड़ गया, इमोशंस की कदर नहीं की, आपको तड़पता रोता हुआ छोड़कर ये इंसान चला गया। सिचुएशन पहले बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब आपकी विश ये है गाइस कि जो इंसान आपको छोड़कर गया, आप अभी भी उसी का ही इंतजार कर रहे हो, आप अभी भी जो है उसी की मन्नतें मांग रहे हो, उसी को भगवान से मांग रहे हो, उसी के लिए प्रेयर कर रहे हो कि जिस तरीके से ये इंसान चला गया था वैसे ही ये उल्टे पांव आपके पास लौट आए। आपकी सिर्फ एक ही विश है कि आप इस इंसान को वापस आते हुए देखना चाहते हो, आपकी लाइफ में आते हुए देखना चाहते हो, आपकी यही विश है ना गाइस, या फिर मैं गलत हूँ मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि कार्ड्स में सिर्फ वही निकला है कि जो गया है उसे ही आप पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आए, आपके सभी ऑफर्स को ये एक्सेप्ट करे, आपको अपना बनाए, आपके फीलिंग्स को समझे, है ना, ये आपको ना ठुकराए आपके रिलेशनशिप से ये ना जाए। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ एक ही 24 घंटे आपके दिमाग में यही चलता है कि कब ये इंसान वापस लौट कर आएगा और वो सब ऑफर को एक्सेप्ट करेगा जो आपने इन्हें दी थी। एक होने का ऑफर, एक रिश्ते में बनने का ऑफर, एक साथ जीने और मरने का ऑफर। तो आपकी इच्छा यही है गाइस, कमेंट करके बताना, ठीक है, कि मैंने सही कहा या गलत। आपको कुछ सोचता नहीं है और इनके अलावा,
24 घंटे बस आपको जो है इन्हीं की पड़ी रहती कि बस इस ये वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और किसी को नहीं देखना है, बस यही इंसान आना चाहिए मेरे लाइफ में वापस, ये है आपकी इच्छा। अब यहाँ पर दूसरी इच्छा आपको मैं बता देती हूँ, 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स ये दिखाता है गाइज, आप चाहते हो कि इनकी फैमिली मान जाए, जो भी आपके पर्सन है इनकी फैमिली मान जाए। इनकी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशन को मानती है, बहुत ही कास्ट को मानती है, बहुत ही रिलीजन को मानती है, बहुत ही ज़्यादा सुपरटिशियस नेचर, बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के लगते हैं मुझे, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, धर्म जात को मानने वाले, इनकी फैमिली का नेचर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, जो भी आपके पर्सन है ठीक है। तो आपको आपकी विश ये है कि ये अपनी फैमिली को मना ले, है ना, अपनी फैमिली को कन्विंस कर कर ये आपके पास आ जाए, इनकी फैमिली भी जो है आपको एक्सेप्ट कर ले। आपकी ये विश है कि आपके पर्सन जो है फैमिली की बातें, परिवार की बातें, सोसाइटी की बातें, कास्ट की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ये नहीं करते हैं। तो आपकी इच्छा है कि ये सब कुछ जो है अपनी फैमिली को मना कर, यू नो, ये वापस आपके पास आ जाए, इनकी फैमिली भी मान जाए, ये भी मान जाए। तो ये है आपकी दूसरी विश। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, 6 ऑफ पैंटिकल्स। 6 ऑफ पैंटिकल्स दिखाता है किसी चीज़ को देना, है ना, किसी चीज़ को देना या किसी चीज़ को लेना। ओके, तो यहाँ पर जो है आपने रिश्ते में बहुत कुछ दिया है और ये तो दिख ही रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप अभी भी अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अभी भी जो है इस रिश्ते में कुछ देना चाहते हो, अपने पर्सन को कुछ देना चाहते हो, आप इस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहते हो, प्यार मोहब्बत केयर सब कुछ आप लुटाने के लिए तैयार हो अभी भी, है ना। तो बहुत कुछ तो आप दे रखे हो ऑलरेडी, पर अभी आप ये चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको एक अच्छा सा कोई गुड न्यूज़ दे, ये पर्सन भी आपको उतनी रिस्पेक्ट दे, उतना केयर दे, उतना लव दे, यू नो, इक्वल गिव एंड टेक, बराबरी का रिश्ता आप इनसे चाह रहे हो अभी, कि ये पर्सन जैसे गए थे वैसे आए, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे, आपको भी कोई कोई अच्छी सी ऑफर दे, आपके साथ भी रिश्ता बनाए, आपको भी उतना ही प्यार दे जितना आपने इन्होंने दिया है। तो ये है आपकी तीसरी विश कि ये पर्सन आपको कुछ दे, एक कमिटमेंट दे, आपके रिश्ते को एक नाम दे, है ना। तो ये चाहते हो आप, इतनी ज़्यादा मन्नत है तो मांग ही रहे हो, भगवान से दिन रात यही प्रेयर कर रहे हो, बस उन्हीं का इंतज़ार है आपको गाइस। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, इस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, अपने घमंड से निकल नहीं पाते हैं ये इंसान, आपके जो भी पर्सन है जिनकी आप इच्छा कर रहे हो ना, इस इंसान में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते, किसी के दर्द को नहीं समझते, बस वही करेंगे जो इन्हें ठीक लगेगा, आई मी एंड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड होता है ना गाइज। हाँ, आई मी और माई सेल्फ, मैं और सिर्फ मैं, हर जगह मैं ही भगवान, मैं ही ब्रह्मांड, मैं ही सब कुछ। तो इस टाइप का ईगो रखते हैं ये इंसान, इस ईगो के वजह से बहुत सी लड़ाई झगड़े ये सब हो गए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, तो आपकी ये विश है कि ये इंसान का घमंड टूटे, ये इंसान अपना ईगो छोड़कर सब कुछ भूलकर जो है पास्ट की बातों को भूलकर ये आपके सब पास वापस आए, एक समझदार इंसान बनकर आए। आपकी ये है चौथी विश कि आप चाहते हो कि इसका, इस इंसान का जो है घमंड टूटे, प्यार को समझे, फीलिंग्स को समझे, है ना, आपको रिस्पेक्ट दे, जितनी भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलतियां की हैं, आपको डोमिनेट किया है, आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, झगड़े किए हैं, आपको हमेशा जो है हमेशा नीचा दिखाकर इन्होंने आपसे बिहेव किया है, बर्ताव किया है, तो चाहते हो आप ये कि ये इंसान अब ज़मीन पर आए, ज़मीन पर, आसमान से ज़मीन पर नीचे आए, है ना, ज़मीन पर इनके पाँव हो, ज़मीन पर पाँव रखे और असलियत क्या है वो देखे, इनका घमंड टूटे। आपकी ये है विश। तो आप अपने पर्सन को सुधर कर आता हुआ अभी देखना चाहते हो। तो गाइज, यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि आपकी कितनी इच्छाएं हैं, कितनी विश है जो आपने मांग रखी है, और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ बस प्यार का ही जो है ऑफर, प्यार का ही इंतज़ार, प्यार को ही चेंज होता हुआ देखना चाहते हो, प्यार का को ही लौटता हुआ, वापस लौटता हुआ देखना चाहते हो। तो ये थी आपकी विश। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपकी विश पूरी होगी। जी हाँ, अब ये सवाल का जवाब देना ज़रूरी है ना गाइस। तो इस सवाल का दो जवाब यहाँ पर आया है ऑलरेडी। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स यानी कि विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है गाइस?
विक्ट्री का मतलब होता है जीत, कि आपने जो भी विश मांग रखी है भगवान से, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, है ना, जिसे भी आप मानते हो, तो आपकी जो ये विश है वो पूरी होने वाली है, आपको जीत मिलने वाली है, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ये कार्ड ये दिखाता है, जीत का कार्ड आया है गाइस, जीत का कार्ड यानी कि विक्ट्री का कार्ड, कि आपको हार नहीं मिलने वाली, आपकी जीत होने वाली है, चाहे अभी कुछ भी हो, अभी कुछ भी हो, जीत आपकी ही होनी है, घर आपका ही बनना है, रिश्ता आपका ही बनना है। इस इंसान को क्या होना है गाइस, झुकना ही होगा, इस इंसान को झुक कर आना ही होगा आपके पास, जीत आपकी ही होगी। अभी चाहे ये जितना घमंड दिखा ले, जितना एटीट्यूड दिखा ले, जितना आपको हर्ट कर ले, लेकिन घूम फिर कर आना इनको आपके दरवाजे पर ही है, जीत आपकी होनी ही है, समझ गए? तो ये है आपका सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल, और इसी सवाल का दूसरा पार्ट यहाँ पर जो है जजमेंट। जजमेंट दिखाता है कि आपको, आपकी विश यही है ना कि ये इंसान आपके पास घूम कर वापस आए, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे, इनकी फैमिली मान जाए, ये वो, है ना। तो जजमेंट आपको मिलने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है, आपका जो भी विश है वो पूरा होने वाला है। जजमेंट का मतलब क्या होता है? न्याय मिलना। आप उसी चीज़ का विश करते हो जहाँ पर आपको न्याय नहीं मिला होता है ना। तो जजमेंट में यानी कि रिजल्ट, रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जो भी आपने सोच रखा है उसका रिजल्ट आपको भगवान, यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह, प्रभु, जो भी है, आप जिन्हें भी मानते हो, वो आपकी विश को फुलफिल करने के लिए बैठे हुए हैं ऊपर। ओके, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। तो ये दो कार्ड्स बहुत ही आसानी से दिखाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी गाइस, कि जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से, समझ गए? किसी चीज़ को अंदाज से करो, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करके भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश हमें करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको दे दिया शायरी के रूप में। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है गाइस, यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है गाइस, बताइए? सिक्स ऑफ कप्स यानी कि यहाँ पर भी आपको एक ऑफर मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके पास आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ये आपको कोई ऑफर देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप किसी फ्रेंड के लिए विश कर रहे हो, लव के अलावा अगर आप किसी दोस्त दोस्त का भी इंतज़ार कर रहे हो, तो वो दोस्त भी जो है आपके लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, कि कोई क्रश है या कोई दोस्त है जो आपसे बिछड़ गए थे, तो अगर आप उन्हें विश कर रहे हो तो वो भी आ रहे हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स का एक और मीनिंग यहाँ पर होता है, अगर आप किसी अगर आप बच्चे का प्लानिंग कर रहे हो, बच्चे वगैरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चे अगर हो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो अगर आप बच्चे की विश कर रहे हो, तो बच्चे होने के भी यहाँ पर चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने भी बच्चे का विश कर रखा है, मन्नत मांग रखा है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट आया था, क्योंकि एक कार्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं गाइस, तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर टाइप की रीडिंग पसंद है ना, तो यही था, मैंने बता दिया गाइस। ये थी पाइल नंबर टू आपकी रीडिंग, और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। अब मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने आपकी जो दिल की विश है मैंने जो बताई है वो सही है या नहीं। ओके, क्योंकि कैरियर रिलेटेड यहाँ पर कुछ नहीं आया, बिजनेस रिलेटेड यहाँ पर कुछ नहीं आया, है ना। अब सब कुछ आया है सिर्फ प्यार, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छाएं जो दिख रही है मुझे, प्यार प्यार की जो इच्छाएं हैं वो नज़र आई है, तो मैंने उसे क्लियरली बोल दिया आपको गाइस। ठीक है, तो अपने आप को रखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गाइस, ठीक है, और लाइफ में मूव ऑन भी होते रहिए। अपने आप पर, आप अपने आप पर काम कीजिए, बहुत ज़्यादा काम कीजिए, अपने आप को सेल्फ ग्रोथ कहते हैं ना गाइस, कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, कोई आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई आकर आपको प्यार करे। पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है, खुश होना है, खुश रहना है, खुश रहकर दिखाना है, चाहे भले ही दिल में बहुत से लाखों दर्द क्यों ना हो, है ना। अपने आप पर काम कीजिए, आप अपने आप को इस पोजीशन पर रखिए ताकि लोग जो है झुक कर आपके पास आए, झुक कर आपके पास आए। ठीक है, तो रीडिंग को कर रही हूँ मैं क्लोज गाइस, मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। अपना रखिए ख्याल, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।